हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, करेंसीज, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे कि RRB, IBPS, SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज हम कुछ कॉर्ड वर्ड्स करेंगे जिससे हमारे को करेंसीज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं करेंसीज। देखिए, जैसे हर कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका जो है सेम करेंसी चलती है। ठीक है, तो जो हमारी सेम करेंसी है उसको हमने क्वाड वर्ड में बना लिया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आज हम ले रहे हैं दिनार। दिनार कहाँ कहाँ चलता है? देखिए, दिनार को हम मान लेंगे डिनर। क्या मान लेंगे? डिनर। डिनर के बाद केटी जेलबीज खाती है। डिनर के बाद केटी क्या खाती है? जेलबीज। ऐसे याद करेंगे। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? कुवैत। टी से टूनिशिया। जे से जॉर्डन। ए से अल्जीरिया। एल से लीबिया। बी से बहरीन। आई से इराक। एस से सर्बिया। तो दिनार कहाँ चलते हैं बच्चों हमारा? कुवैत, टूनिशिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, लीबिया, बहरीन, इराक एंड सर्बिया। तो याद हो जाएगा इससे हमें दिनार। डिनर के बाद केटी क्या खाती है? जेलबीज। जलेबी नहीं लेना, अगर ही लेंगे तो हमारा पार्टवर्ड आपका जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केटी जेलबीज खाती है। तो हम नेक्स्ट करेंसी लेंगे। अभी नेक्स्ट करेंसी हमारी होगी पाउंड। देखो, पाउंड हमारी एक एनर्जेटिक करेंसी, कहने का मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा हाई रहती है, इतनी हाई कि आपका जो है 80-100 इतनी रहती है आपकी। तो इसको पाउंड, एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी? जूल। बिकॉज फॉर वर्ड शुड बी इंटरेस्टिंग वर्ड। तो जूल होती है, इसके आगे हमें इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है कि इसके आगे हमने 3S लगाए। क्या लगाने हैं? 3S लगाए। जैसे जे से जर्सी, यू से यूके, एल से लेबनन, ई से इजिप्ट, एस से सुडान, एस से साउथ सुडान एंड एस से सीरिया। तो इससे हमें एक साथ पाउंड की एक तरह से हमें याद हो जाएंगे कौन कौन सी है? जर्सी, यूके, लेबनन, इजिप्ट, सुडान, साउथ सुडान, सीरिया। पाउंड क्या है? एनर्जेटिक करेंसी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है कि हमने इसके आगे क्या लगा दिए? 3S लगा दिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट फॉरवर्ड रुपया, जिसमें बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि रुपया में हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें ये पूछा जाता है कि रुपया ये भी है और एक रुपया की स्पेलिंग होती है RUPIAH। कॉमन जो चलता है वो ये स्पेलिंग चलती है, कई बार वो स्पेलिंग चेंज करके पूछ लेते हैं आपसे, जहां पर RUPIAH आ रहा है, तो इसको डिफरेंस को समझेंगे हम। पहले तो इसको फॉरवर्ड करेंगे हम। रुपया कहाँ चलता है? रुपया कहाँ खर्च हो रहा है? इंटरेस्टिंग होने चाहिए फॉरवर्ड, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। रुपया आजकल गर्ल्स का तो खर्च हो रहा है पिंस के ऊपर और बॉयज का हो रहा है सिम के ऊपर। इतना ज्यादा पैसा है कि डबल एम लगाना पड़ता है। कितना लगाना पड़ता है? डबल एम। तो पी से क्या नाम आया? पाकिस्तान। चार कंट्रीज तो हमें मालूम ही है। आई से इंडिया, एन से नेपाल, एस से श्रीलंका एंड ये जो सिम है ये जरूरी याद करने वाला है सीशेल। ऐसे क्या होगा? सीशेल्स। आई से हमारा इंडोनेशिया, एम से मालदीव एंड जो सेकेंड एम है दैट इज मॉरिशियस। ओके, तो इस तरह से हमारे को रुपये का फॉरवर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली जो हमें जरूरी पता होना चाहिए, रुपया, ये रुपया जो जहां पर एफ आता है ये हमारा चलता है मालदीव में। ये बात खास ध्यान देंगे जो बच्चों को अक्सर पता नहीं। RUPIAH ये चलता है हमारा इंडोनेशिया में। दिस इज टू रिमेम्बर।
ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही, एंड जो बाकी करेंसीज हैं हम पार्ट टू में कवर करेंगे। ओके।